इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है चित्रा। देखिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर गुजरात से जो सामने आ रही है, 79 यानी कि 79 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज करते हुए यहां पर बराबर कर दिया। और आपको बता दें टाई हो गया है इस वक्त मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में, 83-83 गुजरात में बीजेपी कांग्रेस में टाई हो गया है, जो अपने आप में बहुत सालों के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। गुजरात में टाई, इस वक्त मुकाबला बेहद दिलचस्प। अनुराग, बिल्कुल राकेश सिन्हा जी, क्या हो गया ये टाई टाई फिस? देखिए ये आरंभिक दौर है, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे कर भारतीय जनता पार्टी अंततः सरकार बनाएगी। अब आंकड़े क्या रहेंगे ये कहना कठिन है अभी। और मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि जो पटेल आंदोलन हुआ उसकी जो मिसहैंडलिंग हुई उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। सर संजय कुमार जी, टाई टाई फिस हो गया तो। निश्चित रूप से अब ये तो दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस कड़ा मुकाबला दे रही है, आखिरी में जीत किसकी होगी हमें एक आध घंटे के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। मैं पहले से भी कह रहा था कि बीजेपी को नुकसान होगा और भारी नुकसान होगा। एग्जिट पोल के बाद थोड़ा डगमगाया था, मुझे लग रहा है भारी नुकसान हो रहा है। अशोक वानखेड़े जी, खुश तो बहुत होंगे आप? नहीं नहीं, खुशी होने की सवाल ही नहीं उठता। जो हम किसी शुरू से कह रहे थे ये बात, पहली बार बोला कि कांटे की टक्कर, फिर भी मुझे अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी एज ले जाएगी। अब तो कांटे की टक्कर का, अब तो कांटा फंस गया। मुझे साफ लग रहा है कि एग्जिट पोल का भट्टा बैठने वाला है, उसके साथ किस किस का भट्टा बैठेगा ये अभी देखने की बात है जी। देखिए अब ये जो इसमें होता है, जो भी पार्टी पीछे से आगे निकल गए सर, कांग्रेस 81 पर बीजेपी, कांग्रेस 85, इसमें मुझे कोई हैरत नहीं है क्योंकि जो भी पार्टी पीछे से नेहा बीजेपी 81 कांग्रेस 85 पर कांग्रेस आगे, 81 पर बीजेपी। अरे आशीष सूद साहब, आपका वेलकम कैसे करूं मैं, आप लोग पीछे चल रहे हैं गुजरात में पहली बार। ऐसा है, ये तो शुरुआती रुझान है, आने वाले समय में देखिएगा जमीन पर जिस प्रकार का समर्थन भारतीय जनता पार्टी। सर जमीन से तो खबर आ रही है कांग्रेस रुझान में आगे हो गई। अभी 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 बहुत इनिशियल है, अभी बहुत इनिशियल है और बहुत जगहों पर भारतीय जनता पार्टी आगे भी दिख रही है। हम आपने सोचा था 85 पर कांग्रेस आगे हो जाएगी, आप 81 पर टिक जाएंगे? मैंने फिर कहा यह बहुत शुरुआती रुझान है, इसमें बहुत जल्द आप इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन देखें। परिवर्तन होगा शीला, गुजरात के रुझान में पहली बार कांग्रेस आगे हुई है 85 पे आगे। जी मैं आज सुबह से कह रही हूँ आपको कि अभी भी कांटे की टक्कर है। अभी ये है कि बीजेपी की अगर कांग्रेस इतनी आगे है तो जो लीड लोग समझ रहे हैं उतनी लीड निकल नहीं सकती, कांग्रेस आगे निकल गई है ये दिख रहा है। कांग्रेस बहुमत तो नहीं पा जाएगी 85 पर कांग्रेस आगे? ये है ABP News, आपको रखे आगे।